हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और अफोर्डेबल मेकअप ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये सॉफ्ट ग्लैम ग्लोई पार्टी मेकअप लुक। ये मेकअप लुक आप इस क्रिसमस, न्यू ईयर या किसी भी पार्टी में कैरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी गुड वाइब्स का फेस सीरम। इसके साथ दिए गए ड्रॉपर की हेल्प से मैं इसे अपनी डैम स्किन पर अप्लाई कर लूँगी और अपने फेस और नेक पर अच्छे से मसाज कर लूँगी। ये बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छा सीरम है, ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। इसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी ब्लू हेवन का प्राइमर। अपने टी जोन पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए इसे मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। इसे लगाने से मेकअप काफ़ी देर तक टिका रहता है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी NYBA का लिक्विड कंसीलर। इसे मैं अपने अंडर आइज पर अप्लाई कर लूँगी, साथ ही अपने आईलिड्स पर भी लगा लूँगी एज अ बेस, ताकि मेरा आई शेडो देर तक टिका रहे। और इसके बाद अपने फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। ये कंसीलर बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छा है और बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है। मेरा कंसीलर क्रीज ना करे, इसलिए मैं इसे सेट कर लूँगी फ्लोरियल मैट मैजिक के कॉम्पैक्ट पाउडर से। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला आई शेडो पैलेट। सबसे पहले मैं ये वाला शेड पिक कर लूँगी और एक ब्लेंडिंग ब्रश से इसे अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर लूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड। इसके बाद मैं ये वाला शेड ले लूँगी, इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी और क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं ले लूँगी ये वाला डार्क शेड, इसे भी मैं सबसे पहले अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर लूँगी और फिर क्रीज लाइन पर अप्लाई करते हुए अपने इनर कॉर्नर्स तक लेकर आऊँगी। ये स्टेप मैं 2-3 बार रिपीट करूँगी। इसके बाद मैं इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन्स ना रहे। इसके बाद मैं सिवाना के शिमर ब्रिक में से ये वाला ब्राउन शेड एक ब्रश पर ले लूँगी और इसे अपनी आईलिड के सेंटर में अप्लाई कर लूँगी। सेम तरीके से मैं इसे अपनी दूसरी आईलिड पर भी अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं एक ब्रश पर कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी किस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल से। आप चाहें तो आप कोई भी आईब्रो पेंसिल या आईब्रो पोमेड यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपनी आईज पर एक स्मॉल विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का जेल आईलाइनर। आप चाहें तो आप लिक्विड आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी मस्कारा अपनी अपर लैशेस पर। इसके बाद मैंने अप्लाई कर ली है फॉल्स आईलैशेस। फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है मेबिलिन का फिट मी फाउंडेशन। मैंने डॉट डॉट करके इसे अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लिया है और अब अपनी फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। अपनी फिंगर से अप्लाई करने के बाद मैं इसे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। इसके बाद मैं सेम आई शेडो पैलेट में से ये वाला शेड एक ब्रश पर पिक कर लूँगी और इससे अपने फेस की पाउडर कॉन्टोरिंग कर लूँगी। इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने चीक बोन्स पर, अपनी जो लाइन, फॉरहेड और नोज पर। नोज को मैं अपनी फिंगर की हेल्प से कॉन्टोर कर लूँगी। ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लशर। इसे मैं स्माइल करते हुए अपने चीक्स पर अप्लाई कर लूँगी। थोड़ा सा मैं अपनी नोज पर भी अप्लाई करूँगी। इसके बाद जो शेड मैंने अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई किया था उसे मैं एक पेंसिल ब्रश पर पिक कर लूँगी और अपनी लोअर लैश लाइन पर स्मच कर लूँगी और अप्लाई कर लूँगी मस्कारा अपनी लोअर लैश लाइन पर।
मैंने कोई भी काजल अप्लाई नहीं किया है, आप चाहें तो काजल अप्लाई कर सकते हैं। अपने फेस को मैं हाईलाइट कर लूंगी सिवाना के शाइनिंग स्टार शिमर ब्रिक से। ये भी काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल हाइलाइटर है। इसे मैं अप्लाई कर लूंगी अपने चीक बोन्स, नोज, फॉरहेड, चिन और क्यूपिड्स बो पर। सेम हाइलाइटर को मैं अपने इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई कर लूंगी और अपनी ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लूंगी और अपने मेकअप को सेट कर लूंगी। अपने लिप्स की आउटलाइन बनाने के बाद मैं अप्लाई कर लूंगी न्यूड पिंक लिपस्टिक। मैं अप्लाई कर रही हूँ ADS की मैट लिपस्टिक एंड दिस इज द फाइनल लुक। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। न्यू अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।